ये देखिए बहुत ही सुंदर मोबाइल है जो प्लास्टिक की चूड़ियों का बना हुआ है। इन चूड़ियों को कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको एक प्लास्टिक के टेप की पट्टी चाहिए, करीब 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लंबी, साथ में कुछ गोंद सुई डोरा आदि चाहिए। आप पहले पट्टी लीजिए और उसके अंदर एक साधारण सी गांठ लगाइए। अब जो छोटा सिरा बाहर निकल रहा है वो पूंछ का एक हिस्सा है। अब जो बाएं हाथ वाला हिस्सा है उसको आप ऊपर से थोड़ा सा मोड़ के नीचे लाइए, ये चुड़िया की गर्दन और वहां पे चोंच बनेगी। फिर उस सुरे को उसी गर्दन में से निकाल दीजिए और एक बार फिर इस लंबे सिरे को इस तरह निकालिए, इससे एक तरह का गांठ का फंदा लग जाएगा और ये चुड़िया खुलेगी नहीं। तो देखिए धीरे धीरे करके प्लास्टिक का टेप एक चुड़िया का रूप ले रहा है। थोड़ा सा आप इसको कसिए, उसके बाद में इसके जो दोनों सिरे हैं पूंछ वाले उनको तराश दीजिए और उनमें एक वी आकार का नॉच काट दीजिए, इससे आपकी चुड़िया कुछ ज्यादा सुंदर लगेगी। और चुड़िया खुल ना जाए उसके लिए या तो आप स्टेपल कर सकते हैं या फिर सुई डोरे से इन दोनों सिरों को सिल सकते हैं। उसके बाद में एक गुलाबी प्लास्टिक का एक छोटा सा त्रिकोण काटिए, इससे आपकी चुड़िया की चोंच बनेगी। इसको सिर के अंदर डालिए और उसको भी सुई डोरे की मदद से आप सिल दीजिए। देखिए अभी आपकी चुड़िया इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आप चारों तरफ से उसको उसका मजा ले सकते हैं, पर अब आप जहां पर गर्दन के ऊपर जहां आंख लगेगी वहां थोड़ा सा गोंद लगाइए, गोंद को सूखने दीजिए, उसके बाद में दो आंखें वहां चिपका दीजिए। अब आंखों से एकदम चुड़िया के बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाएगा, चुड़िया एकदम चमक उठेगी और अब चारों ओर से आप इस सुंदर चुड़िया को निहारी और फिर बहुत सारी अनेक रंगों की, कुछ कपड़े के टेप की, कुछ प्लास्टिक की आप चुड़िया बनाइए, फंदा वही रहेगा। और उसके बाद में उनको आप एक मोबाइल में लटका दीजिए। ये देखने में बहुत ही सुंदर मॉडल है और ये बिल्कुल वेदर प्रूफ है, आप चाहें तो इसको बारिश में छोड़ सकते हैं।